દાદરનગર હવેલીના ખાનવેલ વિસ્તારમાં માઇન્સ મિનરલ્સ એન્ડ પીએલ તેમજ સામાત એનજીઓ દ્વારા એક સેમિનાર યોજાયો હતો, જેમાં ગેરકાયદે માદનીંગ, ડીએમએફ, ભૂમિ અધિગ્રહણ સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિશે અશોક ચૌધરીએ વિગતવાર સમજૂતી આપી માઇનિંગ વિશે ઉપસ્થિત તમામને જાગૃત રહેવા જણાવ્યું હતું. એક જિલ્લા સ્તરીય ખનન કો લેકે और खनन में जो बच्चे कुप्रभावी थे उनको लेके यहाँ पे दादानगर हवेली में एक कार्यशाला का आयोजन किया है. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है, जो अवैध रूप से जो खनन देश में हो रहा है और जो माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में जो जिला खनिज कोष का प्रावधान है वो, और फ्यूचर जनरेशन फंड जो गोवा फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, फैसला दिया है, उनका देश में जो खनन से प्रभावित लोग हैं या खनन से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके अवगत कराने के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए वो पूरा हमने किया है. जागृति के एक हिस्से के तरह आज हम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं. ये देश में 18 राज्यों में ये प्रयास हुआ है, 46 जिलों में ये प्रयास हुआ है. मुख्य रूप से हमारे जनता, हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो, और हमारे जो संचालन करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, इन लोगों में संवाद करके, इन लोगों के साथ संवाद करके ये जो अभी मसला पूरे देश में खड़ा हुआ है, तो देश को वैसे बहुत ही ये राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, साथ में ये हमारे जो संसाधन है उसका भी बहुत नुकसान हो रहा है.